हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 8। अब यहां पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है और इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर निकालना है, यानी कि इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें पावर के रूप में शो करना है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। अब हम उन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों बेस सेम हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी तीनों बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने आपको ये लॉ बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो पावर्स होती हैं ये पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है। अब ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये बेस यानी कि a एक बार लिखेंगे और ये जो पावर्स हैं इन्हें ऐड कर देंगे। अब इसी लॉ को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 8 इज इक्वल टू। अब यहां पर तीनों बेस सेम है, तीनों जगह 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और इन तीनों पावर्स को यहां पर एड कर देंगे। तो पावर में हम क्या लिखेंगे, 2 + 4 + 8। और जब आप 2, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो यहां पर आप लिखेंगे 3 raised to the power 14। तो इस तरह से हमने इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसे सिंप्लीफाई किया और जो हमारा आंसर आया वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया, यानी के पावर के रूप में आया। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 6 raised to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 raised to the power 10। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि जब दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों बेस सेम हैं, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे ए और इस पावर में से माइनस कर देंगे इस पावर को। तो यहां पावर में हम लिखेंगे एम माइनस एन। तो जब दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 raised to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 raised to the power 10 इज इक्वल टू। अब ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 6 और इनकी जो पावर्स है उन्हें माइनस कर देंगे, 15 - 10। और जब आप 15 में से माइनस करेंगे 10 को तो आपको मिलेगा 5। तो यहां पर हमें आंसर मिल गया है 6 raised to the power 5। यहां पर आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स के बेस को आप ऐसे ही रखेंगे, यहां पर बेस 6 है तो यहां पर भी बेस 6 ही रहेगा और पावर्स को माइनस करके जो आंसर आता है जो कि यहां पर 5 आया उस आंसर को आप पावर में ही लिखिएगा। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 8 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके लिए कौन सा लॉ लगेगा कि जब दो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहां पर हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा है 8 raised to the power m मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power n इज इक्वल टू। अब क्योंकि ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर हम a लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे m + n। अब इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 8 raised to the power 2 इज इक्वल टू। अब ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां बेस में हम a लिखेंगे और इनकी पावर्स को यहां पर ऐड कर देंगे तो पावर में हम लिखेंगे 3 + 2 और जब आप 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो यहां पावर में आप लिखेंगे 5 तो इसका आंसर हमें मिल गया है 8 raised to the power 5।
फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 7 raised to the power x मल्टीप्लाई बाय 7 raised to the power 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर हम कौन सा लॉ लगाएंगे, a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m plus n। यानी कि अगर दो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर्स एड हो जाती है। अब हम इसी लॉ को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 raised to the power x मल्टीप्लाई बाय 7 raised to the power 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 7 और पावर में हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे यानी कि x प्लस 2। अब इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर है 7 raised to the power x plus 2। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 5 raised to the power 2 और उसके ऊपर होल पावर है 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर फिर से एक पावर है 3। अब इस क्वेश्चन में दो लॉ लगेंगे। अब देखिए पहला लॉ हमें कैसे पता चलेगा कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम क्या करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था स्टूडेंट्स कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं a raised to the power m है और उसके ऊपर एक और पावर है n। अब पावर के ऊपर पावर है तो ये जो बेस a है इस बेस a को हम यहां पर लिखेंगे और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n। और ये दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यहां पर हमने लिख दिया है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा जो अभी हम आपको बताएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 raised to the power 2 और उसकी होल पावर 3 यानी कि जो पावर 3 है ये इस पूरे के ऊपर है डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 3 इज इक्वल टू। अब क्योंकि यहां पर पावर के ऊपर पावर है तो यहां पर हम लिखेंगे 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। डिवाइड का साइन यहां पर एज इट इज आएगा, 5 raised to the power 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपको मिलेगा 6। तो यहां पावर में आप लिखेंगे 6 तो यहां पर हम लिखेंगे 5 raised to the power 6। डिवाइड का साइन यहां पर आ जाएगा, 5 raised to the power 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों बेस सेम है, यहां भी बेस में 5 है यहां भी बेस 5 है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये लॉ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहां पर भी यही होगा, ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 raised to the power 6 minus 3 और जब आप 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 3 तो यह पावर में आप लिखेंगे 3 तो यहां पर आंसर हमें मिल गया है 5 raised to the power 3। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 5। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के दोनों बेस डिफरेंट हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों पावर सेम है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये लॉ बताया था स्टूडेंट्स कि अगर दोनों बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर्स अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉमन पावर है यानी कि जो सेम पावर है m इसे हम यहां पर सिंगल यानी एक बार लिखेंगे पावर में। तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। होल पावर m का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो पावर m है ये a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। अब हम इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 5 इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर सेम है तो यहां पर हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 multiplied by 5 और ये जो दोनों जगह कॉमन पावर है सेम पावर है 5 इसे हम यहां पर पावर में एक बार लिखेंगे और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपको मिलेगा 10 तो यहां बेस में आप लिखेंगे 10 पावर 5 है तो ये पावर 5 यहां पर आ जाएगी तो इसका आंसर हमें मिल गया है 10 raised to the power 5।
सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है a रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेस टू द पावर 4। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिक्स पार्ट की तरह ही है, दोनों बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, तो यहाँ पर ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। यानी कि अगर दोनों बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो और अगर पावर सेम हो तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर होती है उसे यहाँ पावर में एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये दोनों बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, तो यहाँ पर हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b, और ये जो सेम पावर है इस सेम पावर को यानी 4 को यहाँ पावर में हम एक बार लिखेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि a मल्टीप्लाई b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी, आप a मल्टीप्लाई बाय b कहिए या ए बी कहिए, बात एक ही है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी होल पावर 4। यानी कि ये जो पावर 4 है ये a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। एट पार्ट में हमें दिया गया है 3 रेस टू द पावर 4 और होल पावर 3। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पर ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, a रेस टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। यानी के जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेस टू द पावर 4 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्योंकि यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, देखिए 3 की पावर 4 है और उसके ऊपर एक और पावर है 3, तो ये बेस 3 तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा और जो पावर्स के ऊपर पावर के ऊपर जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये जो बेस 3 है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपको मिलेगा 12, तो पावर में आप लिखेंगे 12, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है 3 रेस टू द पावर 12। नाइन्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2 रेस टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 15, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 3। इस क्वेश्चन में दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे, पहले हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m माइनस n। यानी कि अगर दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 20 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा और 2 रेस टू द पावर 3 भी यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर ये बेस 2 है तो ये बेस 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, पावर में जब आप 20 में से माइनस करेंगे 15 को तो आपको मिलेगा 5, तो यहाँ पावर में आप लिखेंगे 5, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 2 रेस टू द पावर 5, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा, 2 रेस टू द पावर 3 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 3। अब यहाँ पर ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। यानी कि जब दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 5 प्लस 3, क्योंकि ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, और जब आप 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पावर में आप लिखेंगे 8, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है 2 रेस टू द पावर 8। टेंथ पार्ट में हमें दिया गया है
8 रेस टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 8 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m माइनस n। यानी कि जब दोनों बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे हों तो हम इनके पावर्स को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 रेस टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 8 रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू 8 रेस टू द पावर टी माइनस 2। अब इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर है 8 रेस टू द पावर टी माइनस 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32। और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, जैसे कि 2 रेस टू द पावर 3 या 3 रेस टू द पावर 5। इस तरह से हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है, शो करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस 2 है, इसे हम और छोटा नहीं कर सकते, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। यहाँ पर बेस 3 है, इसे भी हम और छोटा नहीं कर सकते, ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर 2, यानी कि आप 4 कहिए या 2 रेस टू दी पावर 2 कहिए, बात एक ही है। अब 4 को हमने 2 रेस टू दी पावर 2 क्यों लिखा, उसे हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम 4 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 टू जा 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2। अब देखिए 4 के यहाँ पर दो फैक्टर बन गए हैं 2 एंड 2, यानी कि 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 4 ही होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 2, उसके बाद ये अपॉन यहाँ पर लगाएंगे। अब अपॉन में यहाँ पर 3 है, 3 अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, तो 3 को तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ पर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। और 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 5, आप 32 कहिए या 2 रेस टू द पावर 5 कहिए, बात एक ही है। अब ये 2 रेस टू द पावर 5 कैसे आया, इसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 32 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12, यहाँ पर हमें मिल गया 16, 16 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर हमें मिला 8, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर हमें मिला 4, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमें मिला 2, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2। तो 32 के हमें ये फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आप 2 को 2 के साथ ही 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 32 ही मिल जाता है। अब 2 यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहाँ अपॉन में हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 5। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
कि 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के बेस सेम हैं, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे 2 और इन दोनों की जो पावर्स है 3 और 2 पावर्स को ऐड कर देंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा और 3 की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा। अपोन में हमने इसी चीज को यहाँ पर दोबारा लिखा है, बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि 2 raised to the power 5 को पहले लिख दिया है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आया और इस 3 को हमने बाद में लिखा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इन दोनों का एक ही मतलब है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, 3 की पावर 4 भी यहाँ पर आ जाएगा। अपोन में क्या है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको हम अपोन में एज इट इज लिख देंगे 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। अब ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 5, क्योंकि ये वाली पावर भी 5 है और ये वाली पावर भी 5 है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पर देखिए बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर भी पावर्स माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हम बेस में लिखेंगे 3 और यहाँ पावर में लिखेंगे 4 माइनस 1। देखिए यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं दिख रही, मतलब पावर 1 है, तो यहां हमने 4 में से माइनस किया 1 को। अब ये जो बेस है 2, ये बेस 2 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 0, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा, ये बेस 3 है तो बेस हम लिखेंगे 3, पावर में 4 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, तो यहाँ पावर में 3 आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब हम फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो ये लॉ क्या कहता है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी बेस में कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। अब यहां पर क्या है 2 की पावर 0, अब क्योंकि यहां पर पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा और 3 की पावर 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। और जब हम 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमें मिलेगा 3 की पावर 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 raised to the power 3, जिसे हम 3 की पावर 3 भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके जो आंसर आया वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया, यानी कि 3 की पावर 3। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 5 की पावर 2 एंड होल पावर 3, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और ये इस तरह से ब्रैकेट में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब यहां पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, तो पहला लॉ यहां पर लगेगा a की पावर m और होल पावर n, यानी कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पावर के ऊपर पावर है 5 की पावर 2, उसके ऊपर फिर से है पावर 3, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई का साइन ये एज इट इज आ जाएगा, 5 की पावर 4 भी यहां पर एज इट इज आएगा, ये डिवाइड का साइन यहां पर आएगा, 5 की पावर 7 भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा।
अब ये जो बेस है 5, ये यहां पर एज इट इज आएगा। पावर में देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 की पावर 6, मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा, 5 की पावर 4 यहां पर आएगा, इसे हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। डिवाइड का साइन यही पर रहेगा, 5 की पावर 7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला रो लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेस तो 5 रहेगा और इसकी जो पावर्स हैं 6 और 4 वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 6 प्लस 4, ये ब्रैकेट में आएगा, डिवाइड का साइन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, 5 की पावर 7 भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा। और जब आप इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे 6 और 4 को तो आपको मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे 5 की पावर 10, डिवाइड का साइन यहीं पर रहेगा, 5 की पावर 7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला रो लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब यहां पर दोनों जगह बेस सेम है 5 और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 की पावर 10 माइनस 7, जब आप 10 में से माइनस करेंगे 7 को तो आपको मिलेगा 3, तो यहां पर आप लिखेंगे 5 की पावर 3, और यही हमारा आंसर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ये 25 है इसकी जगह यहां पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, आप चाहे 25 कहिए या 5 का स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। अब 25 की पावर 4 है तो 5 स्क्वायर के ऊपर भी 4 आएगा, यानी कि पावर के ऊपर पावर है। उसके बाद ये डिवाइड का साइन यहां पर आ जाएगा और 5 की पावर 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर पावर के ऊपर पावर है तो हम ये वाला रो लगाएंगे, a की पावर m और होल पावर n, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो a की पावर m होल पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो ये जो बेस है 5 इसको हम यहां पर लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये डिवाइड का साइन यहां पर आएगा और 5 की पावर 3 यहां पर आ जाएगा। अब ये बेस 5 यहां पर आ जाएगा और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपको मिलेगा 8, तो यहां पावर में आप लिखेंगे 8, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 की पावर 8, डिवाइड का साइन यहां पर आ जाएगा, 5 की पावर 3 यहां पर एज इट इज रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। अब यहां पर दोनों में ही बेस 5 है तो बेस तो हम 5 लिखेंगे और इन पावर्स को माइनस कर देंगे, तो पावर में हम लिखेंगे 8 माइनस 3, और जब आप 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 5, तो यहां पावर में आप लिखेंगे 5 और यहां पर हम लिखेंगे 5 की पावर 5, और यही हमारा आंसर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 8 अपॉन में है 21 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 8 ये तो यहां पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में जो ये 21 है 21 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी 21 ही होता है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा, 11 की पावर 3 यहां पर आ जाएगा।
अब ये जो हमने 21 को लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इससे हमें ये बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बेस सेम हो गए हैं और ये दोनों बेस भी सेम हो गए हैं और ये बेस तो पहले से ही सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम बेस हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब देखिए ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि इन दोनों की ही पावर 1 है तो हम इन दोनों पावर्स को माइनस कर देंगे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 की पावर 2 माइनस 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11, अब क्योंकि ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 की पावर 8 माइनस 3, यानी कि हमने इनकी पावर्स को यहां पर माइनस कर दिया है। अब यहां पर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 की पावर 0, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा। यहां पर 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 7। देखिए 7 की पावर 1 लिखिए या 7 लिखिए, बात एक ही है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहां पर 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 5, तो यहां पर आप लिखेंगे 11 की पावर 5। अब यहां पर भी एक लॉ लगेगा जो यहां पर अभी लिखा नहीं था, हम लिख देते हैं कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 भी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा और ये 11 की पावर 5 भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपको मिलेगा 7, तो यहां पर आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई का साइन और 11 की पावर 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, तो यहां पर हमें मिल गया है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5 और यही हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 की पावर 7 तो यहाँ न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ आप ऑन में देखिए दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों बेस सेम हैं, दोनों ही बेस 3 हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम अपॉन में लिखेंगे 3 की पावर 4 प्लस 3। अब न्यूमरेटर में ये 3 की पावर 7 है जो यहाँ पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में ये बेस 3 है तो बेस हम 3 लिखेंगे और पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 को ऐड करके आपको मिलेगा 7, तो यहाँ पावर में आप लिखेंगे 7, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों ही बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर हम पावर्स को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों बेस सेम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 7 माइनस 7, क्योंकि यहाँ भी पावर 7 है, यहाँ भी पावर 7 है और जब आप 7 में से माइनस करेंगे 7 को तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 0। अब हम फिर से एक लॉ लगाएंगे कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। अब 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा और यही हमारा आंसर है। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 की पावर भी 0 है, 3 की पावर भी 0 है और 4 की पावर भी 0 है, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, तो 2 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। 3 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। 4 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1।
तो यहाँ पर हमें मिल गया है 1 + 1 + 1, और जब आप 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यही हमारा आंसर है। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 × 4 की पावर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 की पावर भी 0 है, 3 की पावर भी 0 है और 4 की पावर भी 0 है। तो यहाँ पर लॉ लगेगा a की पावर 0 = 1, यानी के बेस कुछ भी हो अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो 2 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 3 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 4 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 1 × 1 × 1। आप 1 को 1 के साथ ही अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 और यही हमारा आंसर है। अब 8th पार्ट में हमें दिया गया है 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0, ये ब्रैकेट में है, और उसके बाद × 5 की पावर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 3 की पावर भी 0 है, 2 की पावर भी 0 है और 5 की पावर भी 0 है। तो यहाँ पर ये लॉ लगेगा a की पावर 0 = 1, यानी बेस कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। अब पहले हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 की पावर 0 की जगह 1, क्योंकि 3 की पावर 0 है तो इसकी जगह 1 आ गया, उसके बाद ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा। 2 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 5 की पावर 0 की जगह भी यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब जब आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपको मिलेगा 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यही हमारा आंसर है। 9th पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 8 × a की पावर 5 / 4 की पावर 3 × a की पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 8 × a की पावर 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा। अब अपोन में देखिए, अपोन में यहाँ बेस में 4 है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 = 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 भी 4 ही होता है। और 2 × 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी के 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 3, तो बेस में 4 है, तो 4 की जगह यहाँ बेस में हम लिखेंगे 2 की पावर 2 होल पावर 3, यानी ये जो पावर 3 है ये अपनी जगह पर ही है, बस ये जो बेस 4 है इस बेस 4 को हमने इस तरह से लिख दिया 2 की पावर 2, और इसकी होल पावर यहाँ पर 3 है, यानी के पावर के ऊपर पावर है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा और 1 की पावर 3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो न्यूमरेटर में 2 की पावर 8 × a की पावर 5 है, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अपोन में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो ये वाला लॉ लगेगा a की पावर m होल पावर n = a की पावर m × n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ भी देखिए पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, 1 की पावर 3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 8 × a की पावर 5 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर अपोन में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो पावर में हमें मिलेगा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, 1 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, और ये दोनों बेस भी सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला लॉ लगेगा a की पावर m / a की पावर n = a की पावर m - n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
2 की पावर 8 माइनस 6, उसके बाद यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहां पर भी बेस a है, यहां पर भी बेस a है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये पावर्स माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे a की पावर 5 माइनस 3। और जब आप 8 में से माइनस करेंगे 6 को तो आपको पावर में मिलेगा 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा। जब आप 5 में से माइनस करेंगे 3 को तो यहां पावर में आपको मिलेगा 2, तो यहां पर आप लिखेंगे a की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। यानी कि जब पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल पावर m आ जाती है। यानी कि यहां पर जो ये सेम पावर है इस पावर को हम यहां पर रखेंगे और ये पावर इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाती है। अब यहां पर भी हम यही करेंगे, पावर सेम है बेस डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों बेस को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a और ये जो कॉमन पावर है जो दोनों में सेम पावर है इस पावर को यहां पर हम लिखेंगे। यानी ये जो पावर है 2 ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर है और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो आपको मिलेगा 2a, तो यहां ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2a और इसके ऊपर पावर आएगी 2 और यही हमारा आंसर है। 10th पार्ट में हमें दिया गया है a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8। अब पहले हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के बेस सेम है, यहां पर भी बेस a है, यहां पर भी बेस a है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब यहां पर भी बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे a की पावर 5 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आ जाएगा, a की पावर 8 यहां पर एज इट इज आएगा। और जब आप 5 में से माइनस करेंगे 3 को तो यहां पावर में आपको मिलेगा 2, तो यहां पर आप लिखेंगे a की पावर 2, ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आ जाएगा और a की पावर 8 यहां पर एज इट इज आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों ही बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहां पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स है वो यहां पर ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर हम लिखेंगे a की पावर 2 प्लस 8। और जब आप 2 और 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे a की पावर 10 और यही हमारा आंसर है। 11th पार्ट में हमें दिया गया है 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8 b की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 b की पावर 2। अब यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि a की पावर 8 और b की पावर 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं a की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3। ऐसे ही यहां पर देखिए a की पावर 5 और b की पावर 2 के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों बेस भी सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों बेस भी सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी कि अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब यहां पर ये दोनों बेस 4 है यानी कि बेस सेम है
तो यहां पर हम लिखेंगे 4 की पावर 5 माइनस 5, यानी इन दोनों की पावर्स यहां पर माइनस हो गई। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे a की पावर 8 माइनस 5, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब ये दोनों बेस भी सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे b की पावर 3 माइनस 2। और जब आप 5 में से माइनस करेंगे 5 को, तो आपको मिलेगा 0। तो यहां पर आप लिखेंगे 4 की पावर 0, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा। और जब आप 8 में से माइनस करेंगे 5 को, तो आपको मिलेगा 3। तो यहां पर आप लिखेंगे a की पावर 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा। और जब आप 3 में से माइनस करेंगे 2 को, तो आपको मिलेगा 1। तो यहां पर आप लिखेंगे b, क्योंकि b लिखिए या b की पावर 1 लिखिए, बात एक ही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 4 की पावर 0 है, तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी बेस कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो 4 की पावर 0 की जगह यहां पर हम लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आ जाएगा। a की पावर 3 यहां पर आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन भी अपनी जगह पे रहेगा और b भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा। और जब आप a की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपको a की पावर 3 ही मिलेगा, और a की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो आपको मिलेगा a की पावर 3b। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि a की पावर 3 और b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि आप a की पावर 3b कहिए या a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b कहिए, बात एक ही है। और यही हमारा आंसर है। 12th पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 2। होल पावर 2 का ये मतलब है कि ये जो पावर 2 है ये इस पूरे के ऊपर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहां पर ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर ये जो पावर्स है ये ऐड हो जाएंगी। यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब यहां पर 1 है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 1, और ये जो होल पावर 2 है ये अपनी जगह पे रहेगी। और जब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 की पावर 4 होल पावर 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के पावर के ऊपर पावर है, तो ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपको मिलेगा 8। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 की पावर 8, और यही हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेस टू द पावर 11। और हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए यहां पर इज इक्वल टू का साइन है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों साइड्स सॉल्व करने के बाद इक्वल आती हैं या नहीं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती हैं तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों ही बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं
तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर 1 प्लस 11, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 11 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 10 की पावर 1 प्लस 11। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब बेस के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब पावर 1 होती है, और जब आप 1 और 11 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 की पावर 12। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि राइट हैंड साइड है 100 की पावर 11। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 100 की पावर 11। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला था 10 की पावर 12, तो यहाँ पर बेस है 10 और यहाँ पर बेस अभी 100 है, तो हम इसके बेस को भी 10 बना देंगे। जब इन दोनों के बेस सेम हो जाएंगे तभी हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे और हमें पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या इनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 100 ही आता है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। तो 100 की जगह यहाँ पर बेस में हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और ये जो पावर 11 है ये पावर 11 यहाँ पर अपनी जगह पे रहेगी। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 10 की पावर 2 होल पावर 11, यानी ये जो पावर 11 है ये इस पूरे के ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर है, तो ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो आपको मिलेगा 22। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 की पावर 22। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों बेस सेम हो गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला था 10 की पावर 12 और यहाँ राइट हैंड साइड में हमें मिला है 10 की पावर 22। 10 की पावर 12 का ये मतलब है कि 10 10 के साथ ही 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 10 की पावर 22 का ये मतलब है कि 10 10 के साथ ही 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये दिया गया था कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है ये बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, ये फॉल्स है, ये गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 ग्रेटर है, बड़ा है 5 की पावर 2 से, और हमें ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 टू जा 4 होता है और 4 टू जा 8 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब हम यहाँ पर लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और RHS हमें दी गई है 5 की पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपको मिलेगा 25। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25, तो 5 की पावर 2 का मतलब है 25। अब हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि 25 बड़ा होता है 8 से, यानी 5 की पावर 2 बड़ा है 2 की पावर 3 से। लेकिन यह क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो हमें यह दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 बड़ा है 5 की पावर 2 से, तो ये गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5,
और हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो अब हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों साइड्स सॉल्व करके भी इक्वल आती हैं, तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, और अगर ये दोनों साइड्स सॉल्व करके इक्वल नहीं आती हैं, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा, और 3 की पावर 2 को हम इस तरह से लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 72। तो यहां पर हम लिखेंगे 72। आप यहां पर देख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 72 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें क्या मिल गई है, 72, और राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है 6 की पावर 5। तो यहां पर हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 6 की पावर 5, और 6 की पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 को 6 के साथ ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7776। तो यहां पर आप लिखेंगे 7776, और यहां पर हमने ये मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाई है। देखिए स्टूडेंट्स, 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपको मिलेगा 36, 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपको मिलेगा 216। तो ये 216 हमने यहां पर लिख दिया, और जब आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपको मिलेगा 36, ये 36 हमने यहां पर लिखा, और 216 को मल्टीप्लाई किया 36 के साथ तो हमें मिला 7776। अब देखिए स्टूडेंट्स, LHS है 72 और RHS है 7776। तो यहां हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि RHS बड़ा है LHS से, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये गलत है, फॉल्स है। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इक्वल नहीं है RHS के, इसलिए ये फॉल्स है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। अब हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि सॉल्व करने के बाद क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। अगर सॉल्व करने के बाद ये दोनों साइड्स इक्वल आई तो ये ट्रू होगा, और अगर सॉल्व करने के बाद ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो ये फॉल्स होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है 3 की पावर 0, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3 की पावर 0। अब यहां पर क्योंकि पावर 0 है तो ये वाला लॉ लगेगा कि अगर बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। तो 3 की पावर 0 है तो इसकी जगह यहां पर हम 1 लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें मिला 1। अब राइट हैंड साइड है 1000 की पावर 0, तो यहां पर हम लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। अब क्योंकि यहां पर भी पावर 0 है तो यही लो यहां पर भी लगेगा, 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी बेस कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। तो 1000 की पावर 0 की जगह यहां पर हम लिखेंगे 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों साइड्स को सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिला है वो 1 है, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां पर भी हमें यही दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्रू है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 108 मल्टीप्लाई बाय 192, और हमें इन नंबर्स के पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है।
अब यहाँ पर ये दो नंबर्स हैं 108 एंड 192, तो हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हम 108 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 108 को इस तरह से लिख लेंगे। अब 108 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? 2 से, तो हम इस 108 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10, क्या बचा? 8 बचा। 2 4 जा 8, अब यहाँ पर बचा 54। अब 54 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 and 4 14, 2 7 जा 14, अब यहाँ पर बचा 27। 27 3 से डिवाइड होता है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 9 जा 27, यहाँ पर हमें मिला 9। 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 3 जा 9, अब यहाँ पर हमें मिला 3। 3 डिवाइड होता है 3 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 1 जा 3, तो इस तरह से 108 के फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। अब हम 192 के फैक्टर्स पता करेंगे। 192 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया 1 बचा, 1 and 2 12, 2 6 जा 12, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 96। 96 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 and 6 16, 2 8 जा 16, यहाँ पर हमें मिला 48। 48 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 2 जा 4, ये 8 बचा, 2 4 जा 8, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 24। 24 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 1 जा 2, ये 4 बचा, 2 2 जा 4, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 12। 12 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 6 जा 12, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 6। 6 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 3 जा 6, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 3। 3 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 1 जा 3, तो इस तरह से 192 के ये प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। और हमें 108 मल्टीप्लाई बाय 102 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108 मल्टीप्लाई बाय 192 इज इक्वल टू, और यहाँ इस ब्रैकेट में हम 108 के ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम 192 के ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे इस ब्रैकेट में। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि इस ब्रैकेट में 108 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो अगर आप इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वापस 108 ही मिल जाता है, और इस ब्रैकेट में 192 के प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर आप इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वापस 192 ही मिल जाता है। यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, हमने इन दोनों नंबर्स को सिर्फ इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम्स, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 6, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3 यहाँ पर सिंगल है, यानी कि 3 एक ही बार है, तो 3 को यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी बेस में 2 है, यहाँ पर भी बेस में 2 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n।
यानी कि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 की पावर 6 है, तो बेस सेम है तो बेस हम लिखेंगे 2 और इनकी जो पावर्स हैं ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 6, उसके बाद ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पर देखिए बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब पावर 1 है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा पावर में 3 प्लस 1। और जब आप 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 8, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 4, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, यानी कि हमने 108 मल्टीप्लाई बाय 192 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दिया है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 270 और हमें इसके प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, तो यहाँ पर हम 270 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। अब जो 270 है ये 2 से भी डिवाइड होता है 3 से भी डिवाइड होता है, तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 वन जा 2, उसके बाद है 7, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 135, 135 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 45, 45 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 5 जा 15, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 5, 5 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 5 1 जा 5, तो इस तरह से 270 के ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 270 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 तो यहाँ पर सिंगल है तो 2 को हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 5 यहाँ पर सिंगल है तो 5 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 270 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दिया है, तो हमें आंसर मिल गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 729 मल्टीप्लाई बाय 64 और हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, यानी कि पावर वाली फॉर्म में शो करना है। तो पहले हम 729 के फैक्टर्स पता करेंगे। 729 3 से डिवाइड होता है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 2 12, 3 4 जा 12, यहाँ पर 9 बचा, 3 3 जा 9, यहाँ पर हमें मिल गया है 243, 243 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 8 जा 24, यहाँ पर ये 3 बचा, 3 1 जा 3, यहाँ पर हमें मिल गया है 81, 81 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 एंड 1 21, 3 7 जा 21, यहाँ पर हमें मिल गया है 27, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 9 जा 27, यहाँ पर हमें मिल गया है 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर हमें मिल गया है 3, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमें 729 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए हैं।
अब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 64 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, 4 बचा, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमें मिल गया है 32, 32 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12, यहाँ पर हमें मिल गया है 16, 16 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर हमें मिल गया है 8, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर हमें मिल गया है 4, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमें मिल गया है 2, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 729 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं और 64 के प्राइम फैक्टर्स भी आ गए हैं, और हमें 729 मल्टीप्लाई बाय 64 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू, और यहाँ इस ब्रैकेट में हम 729 के प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, और इस ब्रैकेट में हम 64 के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर लिखेंगे जो कि यहाँ पर हमें मिले थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे 3 की पावर 6, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और यही हमारा आंसर है 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। तो इस तरह से हमने 729 मल्टीप्लाई बाय 64 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दिया है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 768, और हमें 768 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 768 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। तो 768 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, यहाँ पर 8 बचा, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 384, 384 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 एंड 8 18, 2 9 जा 18, यहाँ पर 4 बचा, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमें मिल गया है 192, 192 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया 1 बचा, 1 एंड 2 12, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 96, 96 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, यहाँ पर हमें मिल गया है 48, 48 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर बचा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 24, 24 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, ये 4 बचा, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमें मिल गया है 12, 12 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर हमें मिल गया है 6, 6 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर हमें मिल गया है 3, 3 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर हमें 768 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, और हमें 768 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 768 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को यहाँ पर आप 8 बार लिखेंगे, और 3 यानी कि 3 तो एक ही बार आया है, तो 3 यहाँ पर एक ही बार मल्टीप्लाई होगा।
अब 2 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 यहाँ पर 8 बार आया है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा और ये 3 भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हमने 768 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 की पावर 5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर m होल पावर n, होल पावर मतलब ये वो पावर है जो इस पूरे के ऊपर है, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई का साइन ये यहाँ पर आ जाएगा, 7 की पावर 3 यहाँ पर एज इट इज आएगा, अपॉन में यहाँ पर 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 की पावर 3 है, अब बेस में 8 है, 8 को हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 2 की पावर 3 बोलिए या 8 बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। तो 8 की जगह यहाँ बेस में हमने लिखा 2 की पावर 3, और ये जो ऊपर पावर 3 है ये वाली पावर यहाँ अपनी जगह पे रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 8 को इस तरह से लिखने की क्या जरूरत थी, तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर सभी बेस को सेम बनाना है। देखिए यहाँ पर बेस 2 है, अब यहाँ पर भी बेस 2 ही बन गया है, यहाँ बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपको मिलेगा 10, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब अपोन में यहाँ पर क्या है, अपोन में भी देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपको मिलेगा 9, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, और ये डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 10 माइनस 9, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पर भी बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 की पावर 3 माइनस 1। और जब आप 10 में से माइनस करेंगे 9 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 1। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा है क्योंकि पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप 3 में से माइनस करेंगे 1 को तो आपको मिलेगा 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 की पावर 2। अब ये 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, और जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपको मिलेगा 49, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 49, और जब आप 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपको मिलेगा 98, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 98, और यही हमारा आंसर है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया था हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4, और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 25 को हम इसके लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब भी 25 ही होता है। तो 25 को यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 की पावर 2 भी यहाँ पर अपनी जगह पे रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन ये यहाँ पर आएगा, t की पावर 8 भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ अपॉन में है 10 की पावर 3, इस 10 को भी अभी हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। 10 को हम इस तरह से लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब भी 10 ही होता है, और ये जो पावर 3 है ये पावर 3 अपनी जगह पे रहेगी, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आ जाएगा, टी की पावर 4 यहाँ पर एज इट इज आएगा। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो पावर 3 है ये पावर 3 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8, इसे यहाँ पर न्यूमरेटर में हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ अपॉन में देखिए 2 के ऊपर भी पावर 3 है और 5 के ऊपर भी पावर 3 है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब 2 लॉ लगेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि जब दो बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। और दूसरा लॉ लगेगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में बेस सेम है 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 2, लेकिन ये जो बेस 5 है ये यहाँ डिवाइड में है अपॉन में है, तो इसकी जो पावर है वो इनकी पावर्स में से हम माइनस कर देंगे, यानी ये दोनों पावर्स तो ऐड होंगी क्योंकि ये बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वाली पावर यहाँ पर माइनस होगी क्योंकि ये वाला बेस यहाँ अपॉन में है डिवाइड में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 3, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस टी है, यहाँ पर भी बेस टी है, और ये डिवाइड में है तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t की पावर 8 माइनस 4। अब यहाँ पर अपॉन में सिर्फ एक चीज बची, 2 की पावर 3, इसे यहाँ पर अपॉन में हम एज इट इज लिख देंगे, और जब आप 2 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस 3, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, और जब आप 8 में से माइनस करेंगे 4 को तो आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे t की पावर 4, और अपॉन में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब आप 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 की पावर 1, यहाँ पर हमने सिर्फ 5 लिखा है क्योंकि पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा, टी की पावर 4 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अपॉन में जब आप 2 को 2 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4 अपॉन में 8। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 4 के साथ तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 t की पावर 4, इन दोनों का एक ही मतलब है क्योंकि 5 और t की पावर 4 के बीच में यह मल्टीप्लाई का साइन होता है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। अपॉन में 8 है, अपॉन में हम 8 लिखेंगे, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 को हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, 25 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, और 6 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। 3 की पावर 5 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ही मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 10 को हम इस तरह से लिखेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब भी 10 ही होता है। अब 10 की पावर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 5 ही आएगी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 25 को हम इस तरह से लिखेंगे 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 25। अपोन में यहाँ पर 5 की पावर 7 है तो अपोन में हम लिखेंगे 5 की पावर 7, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 6 को हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब भी 6 ही होता है। 6 की पावर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी पावर 5 आएगी। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो पावर 5 है, ये पावर 5 इस 2 के ऊपर भी है और इस 5 के ऊपर भी है, और यहाँ पर ये जो पावर 5 है, ये पावर 5 इस 2 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है। अब ये जो 3 की पावर 5 है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 के ऊपर कितनी पावर है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 5 की पावर 5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 5 की पावर 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब अपोन में 5 की पावर 7 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 2 की पावर 5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 3 की पावर 5 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 5। अब यहां पर ये वाला लॉ लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये जो 2 की पावर 5 है इसे यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आया। 3 की पावर 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आया। अब यहाँ पर ये वाला लॉ लगा देंगे, दोनों बेस सेम है 5 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 5 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है और यहाँ पर पावर 2 है तो ये दोनों पावर्स यहाँ पर ऐड हो गई। अब अपोन में ये 2 की पावर 5 हमने पहले लिख दिया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आया। 3 की पावर 5 यहाँ पर लिखा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आया। 5 की पावर 7 हमने यहाँ पर लिखा। अब ये 2 की पावर 5 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी यहीं पर रहेगा। 3 की पावर 5 यहाँ अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और जब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 की पावर 7। अपोन में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 है, तो इसे यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर ये वाला रो लगेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बेस सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये दोनों बेस भी सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, और ये दोनों बेस भी सेम हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 5 है, यहाँ पर भी पावर 5 है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 5 माइनस 5। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब यहाँ पर भी बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 7 माइनस 7। और जब आप 5 में से माइनस करेंगे 5 को तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 0, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। और जब आप 5 में से माइनस करेंगे 5 को तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 0, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। और जब आप 7 में से माइनस करेंगे 7 को तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 की पावर 0। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बेस चाहे कुछ भी हो, अगर पावर में 0 है तो इसका आंसर 1 होता है, तो 2 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 3 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आएगा। 5 की पावर 0 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो अब हमें क्या मिल गया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप 1 को 1 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर दिया है।